हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। आज मैं आप लोगों के साथ यूपी में जो बीएमएस में एडमिशन का जो शेड्यूल आया है, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो अब बात करते हैं यूपी में जो बीएमएस के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बारे में। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की डेट है और ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने की डेट, ये 8 सितंबर 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023, यानी कि कुल 3 दिन का टाइम दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के लिए। इसके साथ ही साथ जो डिपॉजिट मनी है उसको सबमिट करने की फ़ीस जो है 8 सितंबर 2023 से लेके 11 सितंबर 2023 तक है, यानी जो सिक्योरिटी मनी है वो आप लोग 8 सितंबर 2023 से 11 सितंबर 2023 तक जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का, वो 9 सितंबर 2023 से 13 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। इसके साथ जो रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं, यानी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, उनकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो 14 सितंबर 2023 को रिलीज़ की जाएगी। तो स्टेट मेरिट लिस्ट जो है उसकी रिलीज 14 सितंबर 2023 को होगी। इसके बाद जो ऑनलाइन चॉइस ब्लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो 15 सितंबर 2023 से 16 सितंबर 2023 के बीच में कैरी आउट होगा। यानी आप लोग ऑनलाइन जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसको फिल करने का ऑप्शन आपको 15 सितंबर 2023 से 16 सितंबर 2023 तक दिया जाएगा। जो सीट अलॉटमेंट है उसका जो नोटिफिकेशन है वो 17 सितंबर 2023 को शाम 5 बजे किया जाएगा। यानी जो सीट आपको मिली है, जो सीट अलॉट हुई है, उसकी लिस्ट जो है वो 17 सितंबर 2023 को रिलीज़ होगी। इसके बाद जो नोडल सेंटर है वहाँ पे जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी को नोडल सेंटर्स पे अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपने अपलोड किया था उन्हीं की जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, तो ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ नोडल सेंटर पर जाना है और उनका वेरिफिकेशन जो है वो 18 सितंबर 2023 से लेके 20 सितंबर 2023, यानी 3 दिन तक जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपके नोडल सेंटर पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 18 सितंबर 2023 से लेकर 20 सितंबर 2023 तक। इसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करने, और डाउनलोड करने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर एडमिशन लेने की जो डेट है वो 22 सितंबर 2023 है। यानी कि जब आपको एक बार सीट अलॉट हो गई है तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने और आपका जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर जाकर एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 22 सितंबर 2023 है। इसके बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं और आपका अपग्रेडेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो अपग्रेडेड रिजल्ट है वो 23 सितंबर 2023 को घोषित किया जाएगा। यानी कि 23rd of September 2023 को जो अपग्रेडेड रिजल्ट है वो उसको डिक्लेयर किया जाएगा। अगर इसके बाद कुछ चेंज आता है आपके अलॉट कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है, अगर उसमें कुछ भी चेंज आता है तो आपको नोडल सेंटर पे जाके जो नया अलॉटमेंट लेटर जो मिला है आपको उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। और उसके बाद जो अपग्रेडेड अलॉटमेंट लेटर है और कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 25th of September 2023 है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 9th of September एडमिशन का, कि किस तरीके से ये एडमिशन की प्रोसेस कैरी आउट होगी बीएमएस यूजी में, ये आपका 8 तारीख से शुरू होगा और ये 25 सितंबर 2023 तक चलेगा। यानी 8th of September 2023 से लेकर 25th of September 2023 तक यूपी में जो बीएमएस कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है वो पूरी कैरी आउट होगी। तो आप में से जो भी बीएमएस, इसके साथ ही साथ आयुष का मैं एक तरीके से कहूँ, ये सिर्फ बीएमएस नहीं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी कॉलेजेस जो हैं
तो इनमें जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कोई भी बीएमएस में एडमिशन लेना चाहता है, बीएचएमएस में एडमिशन लेना चाहता है, बीयूएमएस में एडमिशन लेना चाहता है, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए ये जो काउंसलिंग हो रही है, ये राउंड है, ये इसको कंडक्ट किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएमएस में, बीएचएमएस में या बीयूएमएस में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो ये काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। आपने नीट में जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें अगर आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ से अबव है, तो आप लोग ये काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करिए। और जो भी आप जिस भी ब्रांच में, जिस भी पैथी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर इसी तरीके की किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको अपना नया वीडियो के साथ आपको इन्फॉर्मेशन जो है आगे जो भी होगी वो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।